हेलो दोस्तों, मैं जीत आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गो क्रिएशन में। आज हम आए जूनागढ़ की बहुत ही पुरातन मंदिर जिसका नाम है लंकेश्वरी मंदिर, और इस मंदिर में माँ लंकेश्वरी और भैरव जी की पूजा होती है। ये मंदिर को चिंदा कनंग वंश, गंग वंश और कालचुरी वंश और नाग वंश के राजाओं ने निर्माण किया था ऐसा इतिहास में वर्णित है। और भी इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि लंकापति रावण भी इस मंदिर की पूजा अर्चना किया करते थे। जब वे युद्ध करने निकलते थे तब वे माँ की पूजा करके निकलते थे और युद्ध में विजय होकर वापस आते थे। और भी कहा जाता है कि यहाँ के मूल निवासी बांकपाई जाति के लोगों ने मिलकर रावण को परास्त किया था और तभी से वे माँ की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और आज भी किया जाता है। जूनागढ़ को कोयलावती पटना भी कहा जाता है। भवानीपटना 1850 में कलाहंडी की राजधानी हुआ करती थी और 12वीं शताब्दी में जूनागढ़ भी कलाहंडी का राजधानी घोषित किया गया था। उसी समय से राजाओं ने लंकेश्वरी जी की स्थापना की और पूजा अर्चना करने लगे और भी सोचने लगे कि माँ शक्ति समृद्धि और स्थापत्य की देवी है। और उसी दिन से वो भी अपने तन मन धन लगाकर माँ की पूजा अर्चना करने लगे। माँ की पूजा मुख्यतः अश्विन माह के मूलाष्टमी के रात से शुरू हो जाती है और ये यात्रा 15 दिन तक चलती है। इस पूजा में माँ की खड़ग को पूजा किया जाता है, इसलिए इस पूजा को खंडावासा का नाम से जाना जाता है। इसमें माँ दो खड़ग धारण करते हैं, एक खड़ग शत्रु संग्रह के लिए और दूसरा खड़ग मानव उद्धार के लिए। इस जगह पर और भी कई सारे पौराणिक मंदिर हैं और आप जब इस जगह को आएंगे तो मेरे हिसाब जून से दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ठंड पड़ती है और आप आराम से घूमकर हर जगह देख सकते हैं। माँ में आप आ सकते हैं, लेकिन जब मार्च अप्रैल और मई ये तीन महीने में बहुत धूप होती है और यहाँ पर आप रुक नहीं सकते, इतना धूप होता है। तो इसलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को। और मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, गुड बाय, सी यू। और ये है खंडावासा की कुछ तस्वीरें जो कि मैंने आपके लिए कलेक्ट की है गूगल की तरफ से। देखिए किस तरह से माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर ऐसे लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। जय माँ लंकेश्वरी। आप सभी को ठीक से रखें, अच्छे रखें।